अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, और हम भी इन्जॉय कर रहे हैं। और आप, जैसे कि आपको लग भी रहा है कि हम इन्जॉय कर रहे हैं। और आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट ही मैंने किचन से लिया है, और देखें कि आप, मज़ेदार चिकन बन रहा है, और ये जब बन के आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। तो जी, आज हमारा इरादा था कि अगर बाहर हम जा रहे हैं तो आउटिंग पे, तो हम घर से ही रच के जाएं। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर से रच के जाओ तो बाहर भी रचे, घर से भूखे जाओ तो बाहर भी भूखे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भूख लगती है, हम बाहर होते हैं तो किसी रेस्टोरेंट पर इधर उधर, तो 1000 से कम का तो कहीं पे आप बर्गर भी नहीं मिलता। तो और बर्गर में आपको पता है कि क्या रचना, बस वो तो एक, जैसे कहते हैं, दाढ़ गीली होती है और कुछ भी नहीं। तो सो हमने कहा हमने दाढ़ गीली नहीं करनी, हमने घर से ही खाना खा के और जाना है। तो जी, साथ में मैंने बना लिए थे पहले चावल, तो ये देखें दही वाला चिकन है, बहुत मज़ेदार है। कभी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चावल बनाए थे आलूओं वाले, आलू के साथ, और साथ में ये शिकारपुरी अचार है, दही है, और जी ये रोटियां हैं। तो आज हमने घर में ही खावर की दावत कर दी, और हम खाना खा लें, उसके बाद फिर हम आपको लेकर जाएंगे कहाँ पे, ये जब जाएंगे आएंगे। तो चलें जी, हम खाना खा लें, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। लें जी, हम आ गए हैं सलादीन। सलादीन एक सुपर स्टोर खुला है इधर F6 में, सुपर मार्केट में। तो हमने सोचा है हम देख के आएँ। ये इससे पहले इस जगह पे, इसकी बिल्कुल सामने जो सिग्नेचर होटल है, वहाँ पे बेस्ट प्राइस के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोर था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और अब ये बना है सलादीन। तो हमने क्या विज़िट करते हैं, इसको देखते हैं ये किस तरह का है। और अच्छा है, बहुत अच्छा स्टोर है, अच्छा लगा मुझे। बट इसमें एक चीज़ थी, खैर अभी तो बिल्कुल न्यू था ना, उसी दिन ही उसकी ओपनिंग थी, तो ये कि थोड़ा सा कंजस्टेड था, कि जो एक जो रास्ता होना चाहिए कस्टमर के आने जाने का, जहाँ पे सारी शेल्फ्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो थोड़ा सा तंग थी। तो उसकी तरफ इन लोगों को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, और वैरायटी तो फिर साथ साथ होती जाती है। बट ये कि मुझे फिर भी हातिम पर ही ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ पे अभी फर्स्ट डे था, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। और फिर ये कि जिस जगह ये बना है उससे सामने जो स्टोर था उसका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया, कि बहुत ज़बरदस्त था। और खैर ये भी बहुत अच्छा है। तो हम आए थे यहाँ पर, तो बस फिर वैसे विज़िट के लिए आए थे, बट आपको पता है कि विज़िट तो खाली विज़िट तो नहीं होता, ऐसी जगह पे आप विंडो शॉपिंग नहीं कर सकते। हाँ, ब्रांड्स पे इधर उधर फिर भी बंदा कंट्रोल कर लेता है, जो ग्रॉसरी या इस टाइप की जो घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ जब पहुँच जाए बंदा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जस्ट विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाए। चलें जी, आपको भी दिखाते हैं, आप भी इंजॉय करें।
याद आया है कि इनका क्रॉकरी सेक्शन एक साइड पे इन्होंने बनाया है, तो बस जाते जाते फिर हमने कहा कि अब आ ही गए हैं तो उसको भी विज़िट करते हैं ना, उसको फिर बात के उस पर नहीं छोड़ते, तो देखते जाएं कि वहाँ पे क्या है। तो चलें जी, हम जा रहे हैं सलादीन सुपरमार्केट क्रॉकरी सेक्शन में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और क्रॉकरी सेक्शन में तो खैर चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो खैर ये भी इन्होंने एक छोटा सा ही पोर्शन बनाया है कि थोड़ा इनको यहाँ पे जगह स्पेस मज़ीद वो करनी चाहिए थी, खुला होना चाहिए था। और प्राइसेस भी इनकी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मुनासिब हैं और सही हैं, जैसे बस होती हैं इस टाइप के स्टोर्स की, मतलब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते इनकी प्राइसेस को हम सेम मार्केट से या फिर दूसरी जो हैं हातिम वगैरह उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल जैसे होती हैं मार्केट में वो वाली प्राइसेस हैं, और लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि थोड़ा इनको यहाँ पे खुला इसको बनाना चाहिए था और मज़ीद वैरायटी भी होनी चाहिए थी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो देख रहे होंगे कि क्या लोगों का यहाँ पे इन लोगों का इंटरेस्ट हो, ये वो सब कुछ हो, उसके बाद में भी ये इसको मज़ीद खुला करें या कुछ करें। तो जी यहाँ पे एक कप मुझे नज़र आ रहा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था YouTube, बट फिर मुझे लगा कि एक सिंपल सा कप ये थे तो खुद भी आप प्रिंट करवा सकते हैं तो बस इसलिए फिर मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया, जस्ट यहाँ पे मैं आई भी विज़िट करने थी, कुछ यहाँ से ख़रीदने का मेरा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैंने कहा देख लेते हैं कि बाद में कभी भी बंदे का मूड बनता है तो अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पर चले हम चल रहे हैं घर, और घर जाके हम आपको दिखाएंगे कि हमने यहाँ से क्या लिया। ठीक है, मिलते हैं घर। चिकन चीज़ बॉल लिया था तो मनो सलवा का, तो साथ में बहुत मज़े की डील थी कि साथ में उन्होंने चिकन फ्राइज हमें फ्री में दिया है। थोड़ा सा फ्राइज वो उसमें शामिल तो कर ही लेते हैं, लेकिन ये है कि ठीक था। और इसी तरह से चिकन नगेट्स का हमने एक पैक लिया तो साथ में दूसरा छोटा पैक फ्री में था, तो इस तरह से हमारी दो की बजाय चार हमें पीसेस मिल गए। खैर वो तो चिकन नगेट्स है, लेकिन हमें चिकन चीज़ बॉल के साथ चिकन फ्राइज हमें फ्री में मिल गए। बाकी ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी, पिंक सॉल्ट और ये नैपकिन वगैरह। पिंक सॉल्ट हमने कहा हम ये ट्राई करते हैं ये किस तरह का है, और पराठे खावर को चाहिए थे। खैर मैं तो घर का पराठा ही खाती हूँ, लेकिन खावर को बहुत पसंद है ये पराठे। तो आप भी कहेंगे हर बात में खावर खावर, तो दो ही बंदे हैं तो एक दूसरे का ही नाम लेना है हमने। तो जी बस ये थोड़ी सी शॉपिंग हमने की थी, और चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।
एक बात जो मैं भूल गई थी, मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आगे मत जाना, ठीक है? और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।